हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्लास डेस्क। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्वांट्स का जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है उसका हम लोग पार्ट फोर डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी हमारे पास वीडियोस है पार्ट वन, पार्ट टू एंड पार्ट थ्री का। इस हर एक वीडियो में हम लोग इंडिविजुअली बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को लेकर कवर किए। जहाँ पे पार्ट वन में हमारा मेन आइडिया था फंडामेंटल जो भी सारे कॉन्सेप्ट है जो कि हमें पता रहने चाहिए इन ऑर्डर टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, उन सारी चीजों को हम लोग अच्छी तरीके से समझे थे विद सम रेलेवेंट क्वेश्चंस। पार्ट टू में हमारा जो भी डिस्कशन था वो डिस्कशन हमारा थोड़ा सा मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर था, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग जो पार्ट वन से हुई थी वो और बेटर हो गई। उसके बाद पार्ट थ्री में हमारा जो डिस्कशन था वो था अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन जो कि जनरली व्हीकल्स के साथ होते हैं और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन जनरली जहां पे मीटिंग्स होते हैं या फिर दो व्हीकल्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। अब जो हमारा पार्ट फोर है ऑफ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, यहाँ पे हमारा डिस्कशन होने वाला है जो कि हमारा ट्रेन या फिर व्हीकल्स के साथ, जो कि ये एक पार्ट है जिसमें अपन क्या डिस्कस करेंगे कि एक ट्रेन का लेंथ और उसके हिसाब से हम लोग किस तरीके से स्पीड डिटरमाइन कर सकते हैं या फिर टाइम डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक और भी इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे एंड दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जनरली हमारा एग्जामिनेशन में इन सब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो एक मैं अगर आपको सिचुएशन दे दूं कि एक सर्टेन ट्रेन है, ठीक है, वो ट्रेन एक सर्टेन पोल को क्रॉस करती है और वो पोल को क्रॉस करने में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम लगाती है, तो उस ट्रेन का स्पीड क्या है? या फिर अगर एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पास करती है और पास करने के बाद इतना सर्टेन एक्स अमाउंट ऑफ टाइम लगाती है तो फिर उस ट्रेन का टोटल स्पीड क्या है? तो ऐसे टाइप ऑफ सिचुएशंस भी आते हैं जहां पे एक ट्रेन पास कर रही होती है आइदर एक पोल से या फिर एक प्लेटफॉर्म से। तो ऐसे सिचुएशंस में किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे और उसके पीछे क्या अंडरलाइन कॉन्सेप्ट्स है और वैसे क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये सब कुछ हम लोग इस पार्ट में समझने वाले हैं। ऑल्सो इसी के साथ साथ रिलेटिव स्पीड का भी कंसेप्ट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, तो आई वुड ऑल्सो इंक्लूड अ लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव स्पीड एज वेल। और ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं, तो इफ यू लुक इनटू द वीडियो टिल द लास्ट यू वुड हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू सॉल्व सिचुएशंस लाइक दैट जो कि अक्सर एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं अबाउट ट्रेन्स। ऑलराइट, सो कीपिंग दैट इन माइंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड विद द वीडियो मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ और वो ये है कि क्लास टेस्ट ने आपके लिए ऑलरेडी एक फुल फ्लेज्ड कोर्स लॉन्च कर दिया है जो कि आपकी यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रेपरेशन के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। इस कोर्स में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एग्जामिनेशंस में आते हैं ए टू जेड कवर्ड अप है विद टोटल इन डेप्थ कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन, अप्रोच का एक्सप्लेनेशन और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स भी यहाँ पे समझाया गया है इस कोर्स में, जिसके साथ एग्जामिनेशन में आप जल्द से जल्द टाइम स्ट्रिंजेंट मैनर में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। नॉट ओनली दैट, हम लोग ये कोर्सेज डिफरेंट फॉर्मेट में रखे हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल किए हैं, जिसमें आपका जो प्रायोरिटी है उस चीज के ऊपर आप कोर्स में ऑप्ट कर सकते हो। और इन सारे कोर्सेज में डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया गया है, जिसके साथ आपका जो टोटल अंडरस्टैंडिंग है जिसके साथ आपको एग्जामिनेशन में बैठना है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ये जो कोर्सेस है इसका मेन बाइफर्केशन अगर आप देखोगे तो लैंग्वेज जनरल और डोमेन के जो भी सब्जेक्ट्स है उस हिसाब से बाइफर्केट किया गया है, जिसमें आप इंडिविजुअली भी ऑप्ट कर सकते हो और कॉम्बो कोर्सेज भी ले सकते हो। अगर आपको इसके ऊपर डेमो क्लासेस की नीड है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो भी सारे लिंक्स प्रोवाइडेड है उस पे जा सकते हो। और अगर आपको बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो जो व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हो ऑन द कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना इंक्वायरी डाल सकते हो। नाउ Let us move on forward with the video. तो सबसे पहले हम लोग एक conceptual understanding ले लेते हैं इस पूरे situation का कि किस तरीके से ऐसे questions आते हैं। तो generally trains के ऊपर दो important concepts हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। पहला जो चीज है कि एक ट्रेन जो है, एक ट्रेन का लेंथ काफी ज्यादा लंबा होता है, राइट? ये चीज तो आपको शायद ऑलरेडी आइडिया होगा कि एक ट्रेन का लेंथ काफी ज्यादा लंबा होता है। तो मान के चलो एक ट्रेन का अगर लेंथ एल है और ये ट्रेन एक मान के चलो सर्टेन पोल को क्रॉस कर रही है, ठीक है, क्रॉस करके ऐसे जा रही है। अब ये पोल का जो है, पोल का भी अपना एक कुछ ना कुछ इसका एक ऐसे विड्थ होगा या फिर कुछ लेंथ होगा। बट रिमेम्बर, ये पोल एक बहुत ही पतला सा एक आपका ऑब्जेक्ट है एज कंपेयर टू द होल लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो अगर हम लोग ट्रेन का लेंथ को एक बार के लिए कंसिडर करें
तो उसके कंपैरिजन में ये पोल का जो विथ है जिसको ये क्रॉस करके जा रही है वो विथ काफी ज्यादा नेग्लिजिबल है, मतलब काफी कम है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम लोग ट्रेन का स्पीड अगर हम लोगों को निकालने बोला गया है तो जो डिस्टेंस जो कि स्पीड का ओरिजिनल फॉर्मूला होता है डिवाइडेड बाय टाइम जो होता है, इसमें डिस्टेंस को हम लोग ट्रेन का लेंथ जो है उसी को मानेंगे, राइट? क्योंकि ट्रेन का लेंथ अपने में ही एक बहुत बड़ी चीज है। तो अगर एक ट्रेन मान के चलो एक पोल को कवर करती है फॉर अ टाइम ऑफ 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के अंदर एक पोल को कवर करती है तो वो 10 सेकेंड तो टाइम में आ जाएगा, बट डिस्टेंस की जगह ट्रेन का लेंथ हम लोग यूज करेंगे। गॉट इट? ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए। बट यहाँ पे एक दूसरा केस भी आता है। अब मान के चलो ये ट्रेन अगर जो है विच इज अ वेरी ह्यूज लेंथ, ये ट्रेन अगर एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म को अगर क्रॉस करती है तो अब देखो प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है जो कि अगर हम लोग लेंथ 2 मान के चले और ट्रेन का अगर लेंथ को अगर हम L1 मान के चले तो प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है जब इसको क्रॉस करके ट्रेन जाएगी तो प्लेटफॉर्म का लेंथ भी बहुत ज्यादा लंबा है। ऐसा तो नहीं है कि प्लेटफॉर्म का लेंथ इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है, राइट? तो क्योंकि प्लेटफॉर्म का लेंथ भी बहुत ज्यादा लंबा होता है तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग अगर स्पीड निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पे डिस्टेंस में L1 + L2 आ जाएगा। तो वी वुड कंसिडर द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म एज वेल इन सिचुएशन लाइक दिस, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे अबाउ फॉर द टाइम जो भी टाइम आपको दिया रहेगा टू क्रॉस दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। गॉट इट? तो ये हमारा दो इंपॉर्टेंट केसेस है जो ट्रेन के साथ अक्सर पूछे जाते हैं एंड उनको इसी तरीके से हम लोगों को अप्रोच करना है। अगर आपको ये कंसेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है और कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इसका एप्लीकेशन किस तरीके से होता है, तो टू कीप दैट अंडरस्टैंडिंग क्लियरर लेट्स स्टार्ट डूइंग सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस। तो ये हमारे पास सबसे पहला एक प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को सबसे पहले आप खुद से स्टडी करो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम आपको क्या कहना चाह रही है, राइट? तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी सेकेंड्स विल अ ट्रेन ऑफ लेंथ 200 मीटर पास एन इलेक्ट्रॉनिक पोल इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 72 किलोमीटर पर आवर्स। तो यहाँ पे गिवन चीज क्या क्या है, एक तो है ट्रेन का लेंथ, राइट? ट्रेन का लेंथ अपने को दिया गया है कितना, 200 मीटर्स, करेक्ट? एंड यहाँ पे और एक चीज दिया गया है ट्रेन का स्पीड, ठीक है, ट्रेन का स्पीड अपने को दिया गया है कितना, 72 किलोमीटर पर आवर, राइट? अब क्या बोल रहा है कि ये जो ट्रेन है ना, ये जो ट्रेन है इसका लेंथ काफी ज्यादा है, ठीक है। अब ये क्या कर रही है, एक इलेक्ट्रॉनिक पोल को क्रॉस कर रही है, तो इलेक्ट्रॉनिक पोल का जो विथ होगा जो पास करने टाइम इसी तरीके से पास होगा, राइट? तो ये जो विथ है ये विथ कंपैरेटिवली बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द होल लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो इसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को पूछा गया है कि कितना टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने में, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को पता है टाइम का क्या फॉर्मूला होगा, टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस, राइट, डिवाइडेड बाय द टोटल स्पीड। अब हम लोगों को डिस्टेंस क्या दिया गया है, 200 मीटर्स, राइट? तो ट्रेन का टोटल डिस्टेंस ही हम लोग कंसिडर करेंगे ऐसे में क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पोल से पास कर रहे हैं, ओके? एंड इसको डिवाइड करेंगे हम लोग स्पीड से। तो स्पीड देखो 72 किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो हमेशा यूनिट्स पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ये 200 मीटर्स है, 72 किलोमीटर पर आवर है, तो वी कैन नॉट डायरेक्टली डिवाइड देम, वी हैव टू कन्वर्ट किलोमीटर्स पर आवर टू मीटर्स पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोगों को पता है कि कैसे होता है, इनटू 5/18 अगर हम लोग करेंगे तो वो मीटर्स पर सेकेंड में बदल जाएगा, राइट? तो इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फोर से जाने वाला है तो 200 / 20 विच इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स, मतलब कि 10 सेकेंड के अंदर ये जो ट्रेन है ऑफ दिस सर्टन लेंथ वुड क्रॉस दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक पोल। अब जस्ट टू गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सिचुएशन, बहुत सारे क्वेश्चंस में इलेक्ट्रॉनिक पोल की जगह आपको बोला जाता है कि एक इंसान खड़ा हुआ है और उस इंसान को क्रॉस कर रहा है वो ट्रेन। अब ऑब्वियस सी बात है एक इंसान का जो विथ है कंपेयर टू द होल लेंथ ऑफ द ट्रेन काफी ज्यादा नेग्लिजिबल है, तो अगेन वी वुड बी यूजिंग द सेम थ्योरी टू फाइंड आउट द टाइम और स्पीड एट दोस सिचुएशंस। मेक सेंस? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है जब भी आप सॉल्व कर रहे हो इस तरीके के क्वेश्चंस को, ओके? मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारे पास अपना अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है
ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 150 मीटर्स इन 15 सेकेंड्स, ठीक है, एंड अ मैन स्टैंडिंग ऑन इट इन 9 सेकेंड्स। अब क्या बोला है कि एक ट्रेन जो है एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, ऑफ लेंथ, प्लेटफॉर्म का लेंथ जो है वो 150 मीटर्स है। तो यहाँ पे एक सिचुएशन है जहां पे मान के चलो ये प्लेटफॉर्म है, तो ये प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना है, 150 मीटर्स है। इसको कितना टाइम में क्रॉस कर रही है वो ट्रेन, 15 सेकेंड्स ऑफ टाइम लगा रही है टू क्रॉस दिस। तो टाइम अपने को दिया गया है 15 सेकेंड्स, ठीक है। नाउ दूसरा, ये एक सिनेरियो दिया हुआ है, दूसरा हमें एक सिनेरियो दिया हुआ है कि एक मैन खड़ा हुआ है उसी प्लेटफॉर्म पे और उस मैन को बस क्रॉस करने में 9 सेकेंड्स ऑफ टाइम लगा रहा है। तो एक मैन को अगर क्रॉस करने में 9 सेकेंड्स ऑफ टाइम लगा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में मैन का लेंथ की जरूरत ही नहीं है हम लोगों को, और विड्थ भी समझने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द ट्रेन्स लेंथ इज मच हायर देन द विड्थ ऑफ दैट पर्सन। सो वी वुड बी कंसिडरिंग दैट विड्थ ऑफ द पर्सन एज जीरो इन दिस सिचुएशन बिकॉज ऑफ इट्स नेग्लिजिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे दो केसेस बन रहे हैं, तो वी वुड मेक टू डिफरेंट इक्वेशंस आउट ऑफ इट। तो अगर हम लोगों को स्पीड कैलकुलेट करना है उस ट्रेन का, फॉर एग्जाम्पल, तो स्पीड क्या होगा, स्पीड होगा डिस्टेंस द होल लेंथ ऑफ द ट्रेन, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाय द टोटल टाइम। अब हम लोगों को पता है टोटल टाइम 15 सेकेंड्स है, बट क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का भी लेंथ इटसेल्फ बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो उसको अपन कंसिडर करेंगे। तो प्लेटफॉर्म का लेंथ मान के चलो एलपी है और ट्रेन का लेंथ मान के चलो अगर डी है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो दोनों को हम लोग एक साथ ऐड करेंगे, दैट इज व्हाट वी हैव लर्न्ड इन द कॉन्सेप्ट, राइट। तो प्लेटफॉर्म का लेंथ यहाँ पे 150 मीटर दिया हुआ है और डिस्टेंस और द लेंथ ऑफ द ट्रेन को अपन डी मान लेते हैं, तो ये अपना क्या हो जा रहा है, स्पीड ऑफ द ट्रेन। इन द सेकेंड केस हमारा स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या होगा, अगेन द डिस्टेंस बाय द टाइम, बट हियर द डिस्टेंस इज इक्वल टू द ट्रेन्स लेंथ बिकॉज द मैन्स विड्थ इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ पे डी ही मानेंगे और यहाँ पे जो टाइम है वो टाइम 9 सेकेंड है, तो 9 लिख देंगे। अब देखो दोनों ही स्पीड का ही फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास, राइट। तो कैन वी इक्वलाइज दिस इफ यू कंसिडर दिस इक्वेशन वन, इफ यू कंसिडर दिस इक्वेशन टू, कैन वी इक्वलाइज देम ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड बिकॉज बोथ आर गिविंग द स्पीड। तो 150 प्लस डी डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू डी बाई 9। इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो 150 इंटू 9 प्लस 9D इक्वल्स टू 15D। इसको अगर इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये 6D हो जाएगा। तो 6D इज बेसिकली इक्वल्स टू 150 इंटू 9। इसको अगर अपन फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 2 6 होता है, 3 3 9 होता है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 75 से चला जाएगा। तो डी अपना क्या हो जा रहा है, 225 मीटर्स। सो द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज नथिंग एल्स बट 225 मीटर्स। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ में आ गया है, और इस तरीके के क्वेश्चंस हम अक्सर एनकाउंटर करते हैं एग्जामिनेशन में। सो दिस नीड्स टू बी क्लियरली अंडरस्टूड बाय यू, इफ नॉट अंडरस्टूड येट तो वापस एक बार आप कंसेप्ट से देखोगे अभी तक, तो सारे चीज क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारे पास अपना अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टू ट्रेन ऑफ लेंथ 90 मीटर्स एंड 105 मीटर्स आर अप्रोचिंग ईच अदर विद अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि दो ट्रेन है, मान के चलो ये एक ट्रेन है, इसका लेंथ आपका 90 मीटर्स का है, और दूसरा एक ट्रेन है जिसका लेंथ आपका 105 मीटर्स का है। ये दोनों एक दूसरे को ऐसे अप्रोच कर रहे हैं, ये मान के चलो पॉइंट ए है, ये मान के चलो पॉइंट बी है, ये दोनों एक दूसरे को ऐसे अप्रोच कर रहे हैं, राइट। तो ये अपना सिचुएशन है, ठीक है, ये मान के चलो ट्रेन वन है और ये मान के चलो ट्रेन टू है। अब क्या बोला है कि यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, स्पीड किसका है, इतना इसका स्पीड देखो 45 किलोमीटर पर आवर है और इसका स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये चीज हमें दिया गया है। अब हमें बोला जा रहा है एट व्हाट टाइम आर दे गोइंग टू मीट, कब कितने टाइम पे ये मीट करेंगे, एक सर्टेन पॉइंट में मीट करेंगे। अगर दोनों एक दूसरे के तरफ ऐसे आ रहे हैं तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में तो मीट करेंगे ना, तो वो मीटिंग टाइम पूछ रहा है, राइट। सो ऐसे सिचुएशन में हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, ठीक है, रिलेटिव स्पीड। हमेशा याद रखना कि अगर एक इंसान यहाँ पे है, मान के चलो ए, और यहाँ पे एक बी है, अगर ये दोनों एक दूसरे को ऐसा अप्रोच कर रहे हैं
बी का स्पीड मान के चलो एस बी है और ए का स्पीड एस ए है, तो यहां पे जो रिलेटिव स्पीड होगा ना वो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा एस ए प्लस एस बी। रीजन या इसका ये है कि जब एक दूसरे को आप अपने अपने स्पीड से अप्रोच करते हो तो ओवरऑल जो स्पीड हो जा रहा है वो स्पीड दोनों का एडिशन हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। बट मान के चलो अगर ए यहां पे है और बी यहां पे है और दोनों एक तरफ जा रहे हैं और ए का ऐसे स्पीड ऐसे है और ये एस बी है, तो इनका जो रिलेटिव स्पीड होगा ना वो आपका मॉड्यूलस ऑफ एस ए माइनस एस बी होगा। मॉड्यूलस का यूज का मतलब ये है कि एस बी में अगर एस बी का अगर स्पीड ज्यादा है तो एस बी माइनस एस ए होगा, और अगर एस ए का स्पीड ज्यादा है तो एस ए माइनस एस बी होगा। ठीक है, बेसिकली उनका एक सब्ट्रैक्शन आएगा, वो उनका एवरेज स्पीड है। ठीक है, तो ये सिचुएशन आपका दोनों आ जा रहा है। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड का ये कॉन्सेप्ट है जो हम लोग अक्सर यूज करते हैं जब भी डायरेक्शन वाइज आपको क्वेश्चंस दिया रहता है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या चीज दिया हुआ है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक ट्रेन जो है 90 मीटर्स का वो इस तरफ जा रहा है और दूसरा ट्रेन 105 मीटर्स का दूसरे तरफ से आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या समझना है कि एट व्हाट टाइम आर दे गोइंग टू मीट। तो जो टाइम होगा, अब क्योंकि ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं दोनों साइड से, टाइम ऑब्वियसली डिस्टेंस बाई स्पीड होगा, लेकिन इस स्पीड की जगह आप क्या लिखोगे, स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ द सेकेंड ट्रेन। वाई? बिकॉज दे आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स ईच अदर। अगर दोनों एक डिरेक्शन में जा रहे होते तब एस वन माइनस एस टू या फिर एस टू माइनस एस वन, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ द राइट। और डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, अब देखो क्योंकि दोनों का लेंथ दिया हुआ है ऐसा, तो एक दूसरे को अगर एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो ट्रेन का लेंथ ही उसका डिस्टेंस है बेसिकली इंडिविजुअल, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस लेंथ ऑफ ट्रेन वन प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन टू। ठीक है, तो डिस्टेंस वन प्लस डिस्टेंस टू हो गया। अब यहाँ पे डिस्टेंस वन क्या हो जाएगा 90 मीटर्स और डिस्टेंस टू क्या हो जाएगा 105 मीटर्स। नीचे आपका स्पीड वन प्लस स्पीड टू होगा, तो स्पीड वन क्या है यहाँ पे 45 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे 72 किलोमीटर पर आवर। अगेन बी वेरी मच अवेयर कि ये जो है मीटर्स में है और ये किलोमीटर्स पर आवर्स में, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 5 × 18, 5 / 18 के साथ, ताकि इसका भी आपका आंसर मीटर्स पर सेकंड में आ जाए। तो ऊपर क्या हो जाएगा 195, नीचे आपका क्या हो जाएगा, ये नीचे यहाँ पे आपका आ जाएगा 117 × 5/18। ठीक है, अगर 9 से कैंसिल करेंगे तो ये 2 से जा रहा है और यहाँ पे 13 से आ रहा है, 13 को अगर हम लोग इसके साथ कैंसिल करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपका ओवरऑल क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ओवरऑल देख लो कि 5 के साथ अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पे 5 3 आ जा रहा है और यहाँ पे 9 आ जा रहा है, 13 के साथ कैंसिल करोगे तो 3 आ जा रहा है, तो 3 × 2 हो जाएगा 6 seconds वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप ये चीज आपको क्लियरली समझ में आ गया है। अगेन आई वुड जस्ट से कि जब भी एक दूसरे को कोई अप्रोच करता है तो जो ओवरऑल स्पीड है उस पूरे सिचुएशन का उसमें हम लोग एड अप कर देते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के तरफ जा रहे हैं। जब भी एक दूसरे के साथ चलते हैं तो जो रिलेटिव स्पीड है ना वो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है आपका, एक दूसरे का माइनस करके जो फाइनल आता है वो उसका एग्रीगेट स्पीड हो जाता है। तो ये सिचुएशंस भी अक्सर आपको फेस करनी पड़ेगी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपको पूछा जा सकता है, तो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा आपके लिए, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसी अगर प्रॉब्लम को हम लोग अगर दूसरे एंगल से सोचे हैं, मान के चलो अगर इस सिचुएशन में ट्रेन का जो है ये दोनों एक दूसरे के तरफ अप्रोच नहीं कर रहे हैं, दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में मान के चलो जा रहे हैं, ये आपका ट्रेन वन है और ये आपका ट्रेन टू है। ट्रेन वन का लेंथ अगेन 90 मीटर्स, इसका भी लेंथ अगेन 105 मीटर्स। ठीक है, और इसका जो आपका स्पीड है वो 45 किलोमीटर पर आवर और इसका जो स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। ऐसे सिचुएशंस में आपका क्या हो जाएगा, फिर अगर आपको टाइम पूछा जाता तो आपका हो जाता डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस तो अगेन 90 मीटर प्लस 105 मीटर ही होता है टोटल डिस्टेंस, करेक्ट। बट यहां पे जो आपका टोटल जो आपका यहां पे टाइम हो जाता, वो टाइम यहां पे नीचे जो स्पीड होता वो स्पीड बेसिकली क्या हो जाता, स्पीड हो जाता 72 - 45। रीजन बीइंग ये लोग दोनों एक तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे सिचुएशंस में जनरली आपको ओवरऑल जो है एक डिस्टेंस दी रहेगी। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको फिर 90 प्लस 105 नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सेम तरफ जा रहे हैं, तो यू नेवर नो वेर इज दैट एंडिंग पॉइंट। जब दोनों एक दूसरे के तरफ जाते हैं और जब मीट कर रहे होते हैं, तो इनका ओवरऑल स्पीड इनका टोटल डिस्टेंस का प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रेन एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं। बट यहाँ पे ये चीज कहना गलत होगा कि टोटल डिस्टेंस ये है, बिकॉज दोनों के दोनों क्या है कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आपको ये चीज दिया रहेगा एग्जामिनेशन में कि टोटल डिस्टेंस बोलो कितना ट्रेवल किए हैं, तो फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम आपको डिस्टेंस दिया रहेगा कि मान के चलो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम तक ये डिस्टेंस इन्होंने कवर किया है, तो उस डिस्टेंस को कवर करने तक कितना टाइम इनको लगा है। तो ऐसे आपको बोल देगा कि मान के चलो आपका टोटल डिस्टेंस 195 है या फिर 200 मीटर्स है, ये 200 मीटर्स दोनों को कवर करने में कितना टाइम लगा होगा, ठीक है? तो तब आप इस पर्टिकुलर चीज का अप्लाई करोगे और डिस्टेंस में 200 मीटर्स लगाओ। इस टाइम डिस्टेंस पे आप ट्रेन का ऐसे एडिशन मत कर देना, बिकॉज यहाँ पे आप एडिशन करोगे तो दैट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि वो टोटल डिस्टेंस नहीं भी हो सकता है। बट जब दोनों एक दूसरे के तरफ जा रहे हैं और मीट कर रहे हैं एक पॉइंट में, तो ओवरऑल जो डिस्टेंस होगा वो दोनों ट्रेन का जो लेंथ है वो ही होगा, बिकॉज वही वो लोग कवर किए हैं, है ना? तो ये चीज आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है और उसी हिसाब से अप्लाई करना है। और नीचे स्पीड में यहाँ पे आपको ये अप्लाई करना है, ऑब्वियसली इंटू 5/18 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर ये मीटर्स में, ठीक है? तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ऑलराइट, तो इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज करके और एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ताकि हमारा जो पूरा आइडिया है इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब ये जो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट डज नॉट ओनली अप्लाई विद ट्रेन्स, इट कैन अप्लाई विद बसेस, इट कैन अप्लाई विद कार्स, इट कैन अप्लाई विद ह्यूमन बीइंग्स, इट कैन अप्लाई विद लिटरली एनीथिंग अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर और मूविंग टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन टुगेदर, ठीक है? तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टू बसेस रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन क्रॉस अ पोल इन 54 सेकेंड्स एंड 34 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली। तो दो ऐसे बस है, ठीक है? दो बसेस क्या कर रहे हैं कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब कि ये एक तरफ जा रहे हैं, ये एक तरफ जा रहे हैं, ये बस ए मान लो, ये बस बी मान लो, एंड दे आर क्रॉसिंग अ पोल, एक पोल है जिसको क्रॉस कर रहे हैं। हाउ मच टाइम, 54 सेकेंड्स एक बस और दूसरा बस आपका 34 सेकेंड्स, ठीक है? तो ये यहां पे सीन है। इफ द बसेस मीट आफ्टर अ टाइम ऑफ 46 सेकेंड्स, अब दोनों मीट कर रहे हैं 46 सेकेंड्स में, देन व्हाट इज द टोटल रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द बसेस। तो स्पीड ऑफ बस ए को ऐसे मान लेते हैं और इसको एस बी मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सिचुएशन, यहाँ पे हमारा क्या आ जा रहा है कि एक बस अगर 54 सेकेंड्स में एक पोल को क्रॉस कर रही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि एक पोल को वो क्रॉस कर रही है तो पोल का जो लेंथ है वो बस के लेंथ से बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में अगर हम लोग मान के चलो लेंथ ऑफ द बस अगर एल बी मान लेते हैं, या फिर बस ए का लेंथ को अगर एल ए मान लेते हैं, और इसको डिवाइड करते हैं अगर हम लोग 54 सेकेंड्स के साथ जो कि टाइम है, तो दिस इज डिस्टेंस बाय टाइम व्हिच वुड बी इक्वल टू द स्पीड ऑफ बस है। ये अपना एक इक्वेशन बन जा रहा है। दूसरा हमारा एक इक्वेशन बनेगा कि दूसरा बस जो है वो 34 सेकेंड्स में इस पोल को कवर कर रही है, तो एल बी विच इज द लेंथ ऑफ द बस बी डिवाइडेड बाई 34 वुड बी इक्वल टू द स्पीड ऑफ बस बी विच इज आवर सेकेंड इक्वेशन ओवर हियर। एंड इन द थर्ड सिनेरियो इफ द बसेस मीट आफ्टर टाइम ऑफ 46 सेकेंड, तो दोनों बस एक दूसरे के साथ मीट कर रहे हैं आफ्टर टाइम पीरियड ऑफ नथिंग एल्स बट 46 सेकेंड्स, करेक्ट? तो अगर 46 सेकेंड्स के टाइम में अगर वो मीट कर रहे हैं, तो वो टाइम बेसिकली क्या होगा, टाइम वुड बी इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस बाय द रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दोनों एक दूसरे के तरफ जा रहे हैं। तो 46 इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल लेंथ ऑफ द बसेस, तो एल ए प्लस एल बी हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय द रिलेटिव स्पीड, व्हाट वुड बी द रिलेटिव स्पीड ओवर हियर, एस ए प्लस एस बी बिकॉज दे आर मूविंग ऑपोजिट टू ईच अदर। तो ये अपना इक्वेशन 3 हो गया। ऑलराइट, अपने को पूछा गया क्या है कि द स्पीड ऑफ द टू बसेस का रेशियो, मतलब हम लोगों को एस ए बाय एस बी ऐसे निकालना है। तो ऐसे सिनेरियो में अपन क्या करेंगे, अब इसी तीनों इक्वेशन को अपन इंडिविजुअली यूज कर सकते हैं। अब लेंथ ए को अपन क्या लिख सकते हैं, 54 इंटू एस ए, तो इस पर्टिकुलर जगह में अपन लिख सकते हैं ना 54 इंटू एस ए, और यहां पे अपन लिख सकते हैं 34 इंटू एस बी, गॉट इट? तो इसी चीज को अपन फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे ये वाला पार्ट थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं, जस्ट सो दैट वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन ओवर देयर। तो यहां पे अगर हम लोग फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां पे क्या हो जा रहा है, देखो 46
इंटू एस ए प्लस एस बी, ये मैं इक्वेशन 3 को ही सॉल्व कर रहा हूं, और यहां पे एल ए की जगह अपन क्या लिखेंगे 54 एस ए विच इज कमिंग फ्रॉम इक्वेशन 1, प्लस एल बी की जगह अपन क्या लिखेंगे 34 एस बी विच इज कमिंग फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहां पे 46 एस ए, ठीक है, और यहां पे आपका क्या हो जा रहा है 46 एस बी इज इक्वल टू 54 एस ए प्लस 34 एस बी, गॉट इट। तो इसको अगर हम लोग फर्दर देखेंगे तो एस ए को एक साइड में ले लेते हैं, एस ए अगर ले लेंगे तो 54 माइनस 46, एंड ऑन द अदर हैंड एस बी को अगर हम लोग ले लेंगे तो इट वुड बी 46 माइनस 34, अगर हम लोग एस बी को इस साइड ले ले और एस ए को इस साइड ले ले तो, राइट। तो इसको अगर हम लोग फर्दर देखेंगे एस ए वुड बी मल्टीप्लाइड बाई इधर कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 46 और 54 का डिफरेंस 8 होता है, एंड यहाँ पे एस बी को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देख लो क्या हो जा रहा है 46 माइनस 34, तो ये हो जा रहा है 12। तो अगर हम लोग एस ए डिवाइडेड बाई एस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 12, तो 4 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो एस ए इज टू एस बी अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जा रहा है आपका 2:3। दिस बिकम्स आवर करेक्ट आंसर इन दिस सिचुएशन। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया है और किस तरीके से इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है वो भी आपको समझ में आ गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई गेस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 को अगर आपने एक के बाद एक देखा है तो आई होप स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो एग्जामिनेशंस में आते हैं वो सब कुछ यहाँ पे कवर्ड है, ठीक है। हम लोग और एक पार्ट इसका निकालने वाले हैं जहां पे फाइनली एक और कॉन्सेप्ट जो होता है स्पीड डिस्टेंस टाइम का जो कि इंपॉर्टेंट होता है वो भी हम लोग समझ लेंगे। बट ये जो चार पार्ट्स हैं इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो प्लीज लुक इनटू ऑल ऑफ दिस पार्ट्स वेरी मेटिकुलसली टू हैव अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।